आखिर ये सॉफ्ट टारगेट हिंदू धर्म ही क्यों है? भाईचारा को ना भूले और उसको भाईचारा को बढ़ाएं। नुपुर शर्मा, जिसने पूरी दुनिया के अंदर आफत खड़ी कर दी, तो आपको क्या हक है कि मोहित्रा पर उंगली उठाएं? नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और भरोसा मतलब भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन इस वक्त देश में हिंदू देवी देवता को लेकर नई बहस छिड़ गई है, और बड़ी बहस छिड़ी है। पिछले दिनों आपने देखा कि फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली में माँ काली को सिगरेट पीते और हाथ में एलजीबीटी का झंडा थामे दिखाया। अब लीना मणिमेकलाई ने ट्विटर पर एक और विवादित फोटो शेयर की, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के गेटअप में दो कलाकारों को सिगरेट पीते दिखाया गया, और कैप्शन में लिखा है एल्सवेयर, यानी कहीं और। इसके अलावा लीना ने आज कुछ और ट्वीट किए, और एक ट्वीट में तो उन्होंने भारत को नफरत की मशीन तक कह दिया। इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन भी सामने आया है। पहले रिएक्शन सुनवाता हूं, फिर आगे क्या है बात वो बताऊंगा। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा पे तुरंत कार्रवाई की मांग करी थी, और बंगाल पुलिस नुपुर शर्मा के नाम पे लुकआउट नोटिस जारी कर रही है, समन भेज रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि महुआ मोइत्रा ने बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं पर प्रहार किया है, उन्होंने माँ काली का अपमान किया है, इसलिए ममता बनर्जी उन पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इस देश में किसी को धर्म पे उंगली उठाने का हक नहीं, देवी देवताओं पर, प्रॉफिट पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखती है? नुपुर शर्मा, जिसने पूरी दुनिया के अंदर आफत खड़ी कर दी, उसको गिरफ्तार करने की बजाय आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपको क्या हक है कि मोहित्रा पर उंगली उठाएं? मेरा मानना है सारे धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन अगर धर्म के साथ खिलवाड़ कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके बाद आप महुआ मोइत्रा पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? अरे भैया, नुपुर शर्मा पर एफआईआर हुई, नुपुर शर्मा पर तो पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने तो सिर्फ इतना कहा कि हम इस बयान के साथ नहीं, और ममता बनर्जी ने तो आज कह दिया कि कभी कभी गलती हो जाती है। दोनों में फर्क नहीं है? उधर लीना मणिमेकलाई को मां काली के अपमान से रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, और इसीलिए उन्होंने शायद भगवान शिव और पार्वती के गेटअप वाले कलाकार के हाथ में सिगरेट वाली फोटो पोस्ट कर दी। और उन्होंने जो ट्वीट किए वो आपको एक एक करके दिखाता हूं। भारत को नफरत की मशीन बताने वाले ट्वीट में लिखा कि ऐसा लगता है कि पूरा देश जो सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े नफरत की मशीन बन गया है, मुझे सेंसर करना चाहता है, मैं इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कनाडा में बैठी है मैडम, कनाडा में, और उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा ना। उनके सरतन से जुदा के नारे लगे हैं, ना कहीं पत्थर चला उनके नाम पर, ना पेट्रोल बम चला, कुछ नहीं हुआ है। ड्रामा इतना है, नाटक इतना है कि जरा सा हिंदुओं की भावना आहत हुई और एफआईआर करा दिया तो उनको कहीं सेफ महसूस नहीं हो रहा। और जिन नुपुर शर्मा को रेप की धमकी मिल रही है, मारने की धमकी मिल रही है, रोज स्टेटमेंट आ जा रहे हैं कि इसको तो छोड़ेंगे नहीं, वो अगर कुछ बोल दे तो वो गलत, और ये बोले तो ये ठीक, इनको आजादी के दायरे में सब दिखता है। एक और ट्वीट में लीना ने लिखा कि बीजेपी पेरोल ट्रोल आर्मी को पता नहीं है कि लोक थिएटर कलाकार अपने परफॉर्मेंस के बाद कैसे शांत होते हैं। ये मेरी फिल्म से नहीं है, ये रोजमर्रा के ग्रामीण भारत से है, जिसे संघ परिवार अपनी अथक नफरत और धार्मिक कट्टरता से नष्ट करना चाहता है। हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता।
मतलब एक तरफ लीना मणिमेकलाई हिंदू देवी देवता के विवादित पोस्टर और फोटो जारी कर रही है, सनातन धर्म को चोट पहुंचा रही है, दूसरी तरफ आरएसएस पर हमले भी कर रही है और कह रही है कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं हो सकता। और शायद लीना जैसी फिल्म मेकर की भगवान के अपमान वाली सोच को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बातों से बल मिल रहा है, क्योंकि दो दिन पहले महुआ मोइत्रा ने मां काली को मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी बताया था और वो कह रही है कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है। आज महुआ मोइत्रा ने एक कविता ट्वीट की और बीजेपी पर निशाना साधा। महुआ ने अंग्रेजी में लिखी कविता का नाम रखा है बी केयरफुल महुआ। इस कविता के अंत में लिखा है कि एक भारतीय नागरिक की तरफ से यानी मां काली पर विवादित बयान पर चौतरफा हमले झेलने के बाद महुआ ने अपने इरादे जाहिर किए। इस बीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी यानी पीएफआई ने भी महुआ मोइत्रा को अपना समर्थन दिखाया है, ट्वीट किया है कि महुआ सभी बाधाओं के खिलाफ बोलने के लिए पर्याप्त बहादुर है। देख रहे हैं पीएफआई आया है महुआ मोइत्रा का समर्थन करने के लिए, शशि थरूर आए थे समर्थन करने के लिए। महुआ मोइत्रा जो बोल रही हैं वो उनके बोलने की आजादी है, नुपुर शर्मा जो वो बोलेंगी वो उनके बोलने की आजादी में नहीं आता, उससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उनका कुछ लोगों के हिसाब से तो सर ही काट देना चाहिए। महुआ मोइत्रा जो बोल रही हैं वो फैक्ट चेक होना चाहिए कि फैक्चुअली सही है कि नहीं। नुपुर शर्मा जो कह रही हैं उसमें जो उनके बोलने का अंदाज था सिर्फ उस पर बहस कीजिए, फैक्ट पर बात मत कीजिए। ये कुछ लोगों के हिसाब से इस देश में तराजू है जो किस तरफ झुका हुआ है आपको दिख रहा है। भगवान के अपमान पर एक लकीर खींचती दिख रही है और लोग आक्रोश में भी हैं। भोपाल में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, टीएमसी से महुआ की बर्खास्तगी की मांग। इस वक्त देश में डिबेट गला काट वाली सोच को लेकर भी हो रही है, लेकिन उदयपुर और अमरावती की बर्बर घटना के बावजूद ये सोच रुकती नहीं दिख रही। अजमेर के जिस खादिम सलमान चिश्ती की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, नुपुर शर्मा का गला काटने पर इनाम देने वाला उसका बयान सुनाया था, उसका नया वीडियो आ गया है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास उसका ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें वो पुलिस हिरासत में हंसता दिख रहा है, थम्सअप कर रहा है। ये आदमी कल जब अरेस्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था बुखार छूटा हुआ है और अब पुलिस कस्टडी में इतना रिलैक्स हो गया कि अब खुश है, चेहरे पर मुस्कान है, कोई शर्म भी नहीं है कि मैंने किसी के गर्दन काटने की बात की है, अब तो नशे में नहीं है ना, और थम्सअप कर रहा जैसे हीरो बैठा हो पुलिस के बीच में। वहीं राजस्थान में कन्हैयालाल मर्डर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप जरा उस हनुमान चालीसा के पाठ की तस्वीरें भी देखिए कि कैसे लोग सड़क पर उतरे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी के गला काटने की बात नहीं की, किसी का गर्दन काटने की बात नहीं, पत्थर नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ। इसीलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि क्या भगवान का अपमान देश जलाने का प्लान है, क्या लिबरल लॉबी को हिंदू राष्ट्र बनने का डर है, क्या सेक्युलर गैंग इसलिए हिंदुत्व से परेशान है, गला काट गैंग का बचाव और चालीसा से चिढ़ क्यों, हिंदुस्तान को हेट मशीन कौन बना रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सुबुही खान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, संयोजक है राष्ट्र जागरण अभियान की। विनोद बंसल प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और मौलाना पीर अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अतिकुर रहमान साहब, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, पार्टी ने कार्रवाई की, FIR हुआ, किसी ने आकर वैसे समर्थन नहीं किया, कहा कि भाई चलो धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो इन्होंने जो किया वो गलत किया। महुआ मोइत्रा के बारे में फैक्ट पर बात होने लगी, जो कह रही है वो फैक्चुअली है या नहीं है। वो फिल्म मेकर पर कहा जाने लगा कि भाई ये तो हेट मशीन इंडिया बनती जा रही है, मेरी आजादी कहां गई, मैं इस आजादी के साथ बोल भी नहीं सकती, कनाडा में बैठे बैठे मैडम को डर लगने लगा। क्या वाकई ये तराजू बराबर है, क्या ये वाकई हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को अहमियत देना है, पैमाना अलग अलग नहीं है, और क्या भारत हेट मशीन बन गया है? नहीं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं सुशांत जी, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं। अलबत्ता दो बातें कहना मैं जरूरी समझता हूं आपके चैनल पर। शायद आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के मामले पे भी मैंने कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा था उसको सुधारा जा सकता था। तमाम इस्लाम के जानकार उनको
बताने के लिए सामने आ सकते थे कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो गलत कहाँ है। वो खुद जानना चाहती थी कि मैंने गलती कहाँ की है, सीनियर क्लेरिक से मिलना चाहती थी जो कि उनको सुधार सके, उनकी गलती को बता सके कि वो कहाँ गलत हैं। तो पहली बात तो ये कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा अगर मैं उसको गलत समझता हूं तो मेरा एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सुधार करूं, और अगर वो इनकार करे कि नहीं नहीं मैं सुधार नहीं करना चाहती हूं तो वो दोषी है। वो दोषी नहीं है। इस्लाम, दीन इस्लाम इतना अपने अंदर स्कोप रखता है, एक वाइड वो बनाता है, स्कोप बनाता है लोगों की क्रिटिसिज्म के लिए, और मेरे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपने धर्म के मामले में जितना भी क्रिटिसिज्म आ रहा है मैं इनवाइट करूं और उस क्रिटिसिज्म का जवाब दूं, और अगर मैं जवाब देने में असमर्थ हूं तो मुझे कोई राइट नहीं बनता है कि मैं अपने आप को रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज कहलाऊं। जहां तक कि मां काली का सवाल है, देखिए सुशांत जी, क्योंकि अब बात आ जाती है हिंदू धर्म के ऊपर, तो मैं जहां तक के मेरे भारतवासियों को जानता हूं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को राइट नहीं बनता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर इतने स्कॉलर्स बैठे हुए हैं कि वो अपने रिलीजन के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आ रही है उसको डिफेंड करना उनका कर्तव्य होना चाहिए, और आपको सुशांत जी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि इस क्रिटिसिज्म को एक वाइडर स्कोप दें। धर्म की आस्था का अपमान करने का राइट ना मुझे है ना किसी और को है, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन स्कोप बनाने के लिए मैं कम से कम एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की आपसे अपील करता हूं। अतीकुर रहमान साहब, मैं इतना जरूर कहूंगा, कई बार हमारी जो बहस होती है उसमें आपका और मेरा मत मैच नहीं भी करे, या मुझे लगे कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक ना भी हो, लेकिन आज ओपनिंग रिमार्क में कम से कम आपने जो बात कही वो मुझे लगता है वो बहुत हद तक देश हित में, और मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये चीज कही है। लेकिन मैं बस बार बार डिबेट करता हूं ना सर, तो लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ना ये डिबेट कर रहा है और ये एंटी मुस्लिम है। सर, अगर सर तन से जुदा बोलने वाला मुसलमान नहीं हो सकता क्योंकि ये इस्लाम में सिखाया नहीं जाता है, तो उसका विरोध करने वाला मुसलमान विरोधी कैसे हो सकता है? अगर पत्थर चलाने का विरोध करना, पेट्रोल बम फेंकने का विरोध करना, किसी धर्म का विरोध करना है, तो फिर आप कहिए कि वो धर्म के नाम पर हो रहा है और वो धर्म से जुड़ा है। आतंकवाद का विरोध करना धर्म का विरोध करना है, तो फिर आप कहिए आतंकवाद का धर्म होता है। गलत के लिए हम डिबेट करते हैं कि लोग सुने, उनके दिमाग के तार खुले, मुसलमान भाइयों को भी समझ में आए कि तुम गर्दन काटोगे तुम ही बर्बाद होगे, तुम्हारा परिवार पीछे रह जाएगा तुम ही बर्बाद होगे, लेकिन हमको ये पोर्ट्रेट कर दिया जाता है कि हम गलत हैं, हम देखो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ है। अरे भैया, हम गलत के खिलाफ है। मैं आता हूं अब जरा, हमारे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं, और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ गए हैं विनोद बंसल जी। बंसल जी, आपने सुना होगा, थोड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। आपके हिसाब से ये जो देश में बैलेंस बनाया जा रहा है, नुपुर शर्मा और महुआ मोइत्रा की तुलना हो रही है, और नुपुर शर्मा का तो पुरजोर विरोध हो, लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में और वो फिल्म मेकर के मामले में वो आजादी का मामला बन जाता है, क्या ये जानबूझ के हो रहा है? भारत को हेट मशीन बनाना ये बन गया है, ये कहना जानबूझ के हो रहा है, या वाकई भारत में स्थिति कंट्रोल के बाहर है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महुआ मोइत्रा को जो है ना प्लांट किया गया सिर्फ नूपुर के एवज में, और कुछ जो जो जिहादी और जो आतंकी मानसिकता के लोग थे उनको कवर फायर देने का एक नया षड्यंत्र रचा गया है। आप देखिए कि जिस तरह से लीना ने काम शुरू किया और उसके साथ में पहले कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हुई, फिर टीएमसी खड़ी हुई, फिर कांग्रेस खड़ी हुई, और उसके बाद में तमाम सेकुलर इकोसिस्टम जो है ना ये सारा का सारा खड़ा हो गया, और अब ये चाहते हैं कि हिंदू समाज में से भी ऐसे लोग उत्पन्न हों जो सरतन से जुदा करने की बात करें। लेकिन नहीं, ये भारतीय समाज जो है
वो ऐसा समाज है जो कि भारत के संविधान, उसकी न्याय व्यवस्था और उसके मानवाधिकारों पर विश्वास करता है। वो देश में हिंसक वातावरण नहीं बनने देगा, नहीं बनाएगा वो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, इसको समझ लेना चाहिए कि इसको हिंदुओं की जो सहिष्णुता तो है, लेकिन भीरुता नहीं समझनी। मैं बताऊं सुशांत जी, आज ही हमने देश के कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हिंदू समाज को जिस तरह से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, कई सारे लोग हमारी जान दे चुके, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने एक आह्वान किया है कि भाई अगर किसी को भी कोई किसी तरह की धमकी मिलती है, कोई प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, तुरंत पुलिस में शिकायत करें। अगर पुलिस शासन प्रशासन नहीं सुनता तो स्थानीय टीम से संपर्क करके और उनको उनको निदान मिलेगा। हम पूरे देश के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं हर प्रदेश के लिए, जिससे कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है कम से कम चैन की नींद सो सके, और ये इस्लामिक जिहादियों का हो या आतंकवादियों का हो या देश विरोधियों का जो षड्यंत्र है उसको हम फेल कर सकें। हाँ, अब बात आई इसकी, कभी देखिए कि ये नूपुर का और इसका महुआ मोहित्रा का कंपैरिजन, मैं कहता हूँ दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं है। देखिए, उसने एक माँ दुर्गा का अपमान जो किया, ये निश्चित रूप से किया, लेकिन देखिए वो जो उसका जो वर्डिंग थी वो किसी को कोट करके की गई थी। मैं कहता हूँ ये विवाद का विषय नहीं है, इस समय जो भी था वो न्यायालय निर्णय करेगा। लेकिन इस महुआ मोहित्रा वाले मामले पर भी लोग जो है ना, जिस तरह से उस तरह की बातें जो कर रहे हैं, कभी उसको तो सरतंस से जुदा कर दिया जाए और इसके ऊपर वो न्यायालय निर्णय करेगा, ये दूतर्फा मापदंड नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम समाज जो है हिंसक वातावरण किसी भी तरह से न बनने देगा, न बनाया हिंदू समाज ने। लेकिन साथ ही साथ इनको भी समझना पड़ेगा, देखिए कि एक बात सैद्धांतिक रूप से सच है कि जब वो कोर्ट में मामला चलेगा तो निश्चित रूप से वो हदीस को भी कोर्ट किया जाएगा और उसकी आयतों को भी कोर्ट किया जाएगा और जो कुछ कहा गया उसके बारे में कहा जाएगा। लेकिन नूपुर पे तो सब लोग चिल्ला रहे हैं, वो तस्लीम रहमानी और उससे पहले के जितने भी लोग थे जिन्होंने भगवान शंकर को और हमारे आराध्य देवों को जिस तरह से गलियाया था, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। नहीं नहीं, तो बात क्यों करना है भाई? मैं कह रहा हूँ जो लोग महुआ मोहित्रा पर FIR कर रहे हैं वो तस्लीम रहमानी पर भी करें, वो क्यों नहीं करते? आप ही जाके कर दीजिए। तस्लीम रहमानी पर किसी ने FIR करने पर रोक थोड़ी लगा रखी है, लेकिन होता नहीं है। लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ टीवी डिबेट में बोल रहे हैं FIR कोई करता नहीं है। कादरी साहब मुझे ये बताइए कि महुआ मोहित्रा और नूपुर शर्मा का केस क्या अलग अलग है? क्या एक बोलने की आजादी का मामला है, एक धर्म का अपमान करने का मामला है क्या? और उसमें RSS को ले आना कि RSS ये सब करवा रही है, BJP ये सब करा रही है, फिर उस कट्टरपंथी सोच को सपोर्ट करना है या नहीं है? देखिए साहब, सुशांत साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके देवी देवता हो या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई बुजुर्गान दीन हो, किसी के बारे में भी गलत टिप्पणी करने से उनके मानने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। और आपने अभी कहा कि वो जो पश्चिम बंगाल की जो सांसद है, जो TMC की है, जिन्होंने इस अंदाज से बयान किया जो खतई गलत है, और आपने ये भी कहा कि PFI उनका समर्थन कर रही है, तो PFI तो यही चाहती है कि हमारे देश का माहौल बिगड़ता रहे, और जो लोग माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं PFI उनको सपोर्ट करती है। तब एक बात मैं हमारे बंसल साहब के आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आपसे मेरी विनती है कि आप इस्लामिक जिहादी का लफ्ज इस्तेमाल मत करिए। जिहादी का हो या आतंकी का हो, कोई धर्म नहीं होता। हम हर आतंकी के खिलाफ बोलते हैं, हर आतंकी संगठन के खिलाफ बोलते हैं। इस्लाम का और टेररिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात आप याद रख लीजिए। जो टेररिज्म पर चलता है वो खतई तौर पर मुसलमान नहीं हो सकता। और रहा सवाल कि वो जो कनाडा में बैठकर जिसने जो हरकत की है उसके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने से क्या होता है, कितनी अपने दिल को तकलीफ होती है। और भाई राजीव बात साहब कि ममता बनर्जी ने नूपुर शर्मा को नोटिस किया, फला किया, मैं बारहा एक ही बात कर रहा हूं सर, खाली नूपुर शर्मा ही नहीं, जिसने भी ऐसी टिप्पणी की है आप FIR हुआ है, अरेस्ट भी करिए और अपने कानून की ताकत सारे देश को बताइए। ठीक है सुबुई खान, आप इस पर जवाब दें। उससे पहले मैं एक रिएक्शन विनोद बंसल का ले रहा हूं, उन्होंने कहा आतंक का धर्म नहीं होता, आप इस्लामिक जिहाद मत बोलिए। देखिए ये जो कह रहे हैं वो को पहले जो देखिए, मेरे को बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें
जो शाब्दिक संशोधन है ना जी, अपने चाल चरित्र चेहरे मिलाना पड़ेगा। सुशांत जी, मैंने क्यों कहा इस बात को, आप देखिए कि दारुण देवबंद हो या जमीयत उलमा हिंद हो, आप जो बलूल्ला जैसे आतंकवादी को जिसने कोर्ट ने सजा का प्रावधान कर दिया और उसने 18 लोगों की जान ली थी भाई साहब, उसको अगर आप लीगल एड भी देंगे, फाइनेंशियल एड भी देंगे, और जितने भी आतंकवादी संगठन आतंकवादी घटनाओं में पकड़े जाते लोग हैं उनके लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो क्या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्या? मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे शब्दों से आपको हो सकता है कुछ हर्ट हो रहे हो, मैं उसमें करेक्शन भी करने को तैयार हूँ। और तीसरी बात ये कि जितने भी इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और जो पापाचार हो रहा है, क्या इस्लाम के नाम पर नहीं हो रहा, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर नहीं हो रहा क्या? आप मुझे बताइए कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए ही तो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उनकी शान में गुस्सा की हुई है ऐसे ऐसे, इसलिए हम इसका सरतन से जुदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं ये दारुल देवबंद और जमीयत उलमा हिंद और बाकी जो ग्लोबल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, तबलीगी जमात और हैं, इन्होंने क्यों नहीं फतवा जारी किया ऐसे लोगों के खिलाफ, ये ऐसी मानसिकता? ठीक है, आप कह रहे हैं अगर एक्शन होता दिखेगा तो अपने आप चीजें जो हैं वो लोगों के दिमाग से निकल जाएंगी। सुबुई खान, उसमें आप अपने जो हम डिबेट में सवाल उठा रहे हैं वो उस पर तो जवाब दें, रिस्पॉन्ड करें जो बाकी लोग भी कह रहे हैं उस पर, लेकिन जो वो कह रहे हैं जो इस बार भी सवाल उठ रहा है, कल जुमा है, कल जुमे पर क्या देश का मुसलमान जैसे पिछले कुछ जुमों में निकला था कि ये कैसे बोल दिया हमारे रसूल के खिलाफ, वैसे ही कल वो निकलेगा और कहेगा कि सर तन से जुदा जो नारा है वो हमारा नहीं है बॉस, ये हमारे इस्लाम का नहीं है, हम किसी को मारना नहीं सिखाते, आप जो है इससे हमको कनेक्ट मत कीजिए, ये देश भर में वो मैसेज शांतिपूर्ण तरीके से दे सकता है क्या? जी जी सुशांत जी, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक्चुअली यही है, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जो अलग बंद दरवाजों में या ड्राइंग रूम में ये कह रहे हैं कि नहीं उदयपुर की घटना गलत है, लेकिन जब बात आती है कम्युनिटी बिहेवियर की, जब बात आती है कि आप एक समाज के तौर पर बाहर आके उसको कंडेम करिए और अपनी सोसाइटी में बोलिए लोगों से कि वो गलत है, तो ज्यादातर लोग या तो लीस्ट बॉदर्ड हो जाते हैं कि हमें क्या लेना देना, हम क्यों इन पचड़ों में पड़े, ये मैं आपको कोट कर रही हूं, या कुछ लोग डर के मारे कि अगर हमने बोला तो हमारी भी जान खतरे में आ जाएगी, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप खुद सोचिए। मुसलमान नहीं डर रहा है मुसलमान से? एब्सोल्युटली, मैं मुसलमान हूं, मैं आपको अभी अपने व्हाट्सएप कॉल्स दिखा दूं, मेरे पास सऊदी अरब से लेके दुबई से लेके पाकिस्तान से लेके, और इनफैक्ट उदयपुर घटना के बाद ये कॉल्स बढ़ी हैं, मुसलमान भी जो हक की बात कर रहा है उसको मुसलमान से ही खतरा है, तो थोड़ी देर के लिए प्लीज आरएसएस, बीजेपी, नुपुर शर्मा या किसी भी राजनीतिक दल को साइड में हटाकर हमें सोचना पड़ेगा कि कम्युनिटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी कादरी साहब ने यह कहा कि नहीं इसको इस्लाम से मत जोड़िए, कादरी साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जैश मोहम्मद चलती रहेगी, जब तक ऐसी घटनाएं पैगंबर के नाम पर करके लोग फकर के साथ वीडियो बनाते रहेंगे कि हमने इस्लाम का नाम रोशन किया एज अ बैज ऑफ ऑनर, तब तक मजहब से ही जोड़ा जाएगा, सामने वाला व्यक्ति मजहब से नहीं जोड़ रहा है, आतंकवादी ही मजहब से जोड़ रहे हैं, और जो आतंकवादी नहीं है वो उसको हटाने के लिए या उस पर क्लैरिटी देने के लिए कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अतीकुर रहमान साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि क्रिटिसिज्म, सवाल लेने के लिए इस्लामिक सोसाइटी में कितने लोग हैं, मैं पूरी फौज खड़ी कर दूंगी मुसलमान युवाओं की जिनके मन में सवाल हैं, जो पूछना चाहते हैं लेकिन उनके कोई जवाब देने वाला नहीं है, कभी उनको बोल दिया जाता है तुम काफिर हो गए, अरे नहीं नहीं ये काफिरों वाली बात मत करो, क्या तुम आरएसएस बीजेपी से जुड़ गए हो, ऐसे करके आप डिस्क्रेडिट कर देते हैं सवालों को। सबसे पहले आपको डिसोन करना बंद करना पड़ेगा, टेरर हैज नो रिलीजन बोलना बंद करिए, इस्लाम के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद सदियों से चलता चला आ रहा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अली के सर पे तलवार मारी गई, मुसलमान थे तलवार मारने वाले, करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन का सर कलम किया गया, मुसलमान थे, अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले लोग थे, तो ये इंट्रोस्पेक्शन कौन करेगा, इन सवालों के जवाब कादरी साहब जवाब दीजिए। इसमें एक प्रश्न ये भी लोग पूछते हैं, बार बार कहा जाता है कि भाई इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और उस इंट्रोस्पेक्शन को करने की बजाय इस्लामोफोबिया या इस्लामिक टेरर की बात हो तो कहा जाता है आप इसमें से इस्लामिक हटा दीजिए, धर्म का लेना देना नहीं है आतंकवाद से। लोग ये भी पूछते हैं, फिर गिनाइए कि दुनिया में कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे धर्म चला रहे हैं, ऐसी कितनी आतंकवादी घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं जिसमें धर्म के नाम पर वो किया गया हो, वो दूसरे धर्मों से जुड़ी हुई थी। देखिए सुशांत जी, मैं हमारी बहन सुबी से भी यह बात कहना चाहूंगा कि फिलहाल
इस्लाम में दो मानसिकताएं चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक मानसिकता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहि सलाम और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहि सलाम तक का जो दौर रहा, उसके बाद का जो दौर आया यजीद इब्ने माविया का, जिसने 90 साल जुल्म के साथ हुकूमत की, कई अइम्मा का कत्ल किया, अहले बैत अथार का कत्ल किया। तो एक मानसिकता जो ये है जो इस्लामी रास्ते से हटकर है, नवासे रसूल के खातिल है, इस्लाम में चेंजेस लाने की कोशिश की, नया नया लिटरेचर दाखिल किए। तो ये जितने जैश मोहम्मद है, लश्कर तैबा है, आईसिस है और जितने लोग भी गला रेत रहे हैं, ये यजीद इब्ने माविया के लिखे हुए लिटरेचर को मान रहे हैं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहजे नबूवत पर जो हुकूमत चली वो इमाम हसन, सर उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ठीक है मैं मान गया, लेकिन वो कर इस्लाम के नाम पर रहे हैं या नहीं, इतना सिर्फ बताओ। एक सवाल प्लीज, काउंटर क्वेश्चन कादरी साहब, एक सवाल कादरी साहब, कादरी साहब एक सवाल, आप जब ये मान भी रहे हैं कि बहुत मनगढ़ंत कहानियां, लिटरेचर, फर्जी हदीस, फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड हदीस लिखे गए, पैगंबर का नाम लेके बकवास लिखी गई, तो हम उन कागजों को फाड़ के डस्टबिन में क्यों नहीं फेंकते हैं? अगर नुपुर ने कुछ कोर्ट भी किया आक्रोश में आकर, ठीक है मैं मानती हूं नुपुर का तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने कोर्ट जो किया वो तो उन हदीसों में से ही कोर्ट किया ना, जिसमें बकवास लिखी गई है पैगंबर के बारे में, हम उन हदीसों को डिसोन क्यों नहीं करते हैं? हम आतंकवादियों को तो डिसोन कर देते हैं, लेकिन जो हदीस पढ़ा के, जो फैब्रिकेटेड कहानियां, लिटरेचर, मनगढ़ंत कहानियां पढ़ा के उनको आतंकवादी बनाया जाता है, देखिए चूंकि हम उसको डिस्क्रेडिट क्यों नहीं करते? मैंने हदीस पढ़ी नहीं, डर है हमें, मुझे नहीं पता कादरी साहब जो कह रहे हैं और आप जो कह रही हैं उसमें फैक्चुअल कितना सही आप कह रही हैं, क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी नहीं है। मैं इस पर कादरी साहब और अतिकुर रहमान आप दोनों से रिएक्शन लूं, उससे पहले हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा जुड़ गए हैं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मिश्रा साहब बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर, राष्ट्रवाद में। नरोत्तम जी आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, अभी उनका फोन लाइन कटा हुआ है, जब तक हम जो है वो चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अतिकुर रहमान साहब इस पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे जो बातें कादरी साहब कह रहे हैं और जो सुबूही कह रही हैं। दो बातें देखिए समझ में आ रही हैं सुशांत जी, जहां तक के टेररिज्म का सवाल है, मैं इस बात से जरा भी इनकार नहीं करूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर टेररिज्म से इंस्पायर होके लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। टेररिज्म को जब आप डिफाइन करेंगे तो उसके डेफिनेशन में आपको 1980s में सबसे पहले जाना पड़ेगा। कोल्ड वॉर पीरियड में अमेरिका ने मुसलमानों का सहारा लिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मदरसों का सहारा लिया, उनको रेडिकलाइज किया, अपनी कोल्ड वॉर की जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको उजागर करने के लिए, रशिया को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए वहां पर टेररिज्म के बीज बोए गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में। अब क्योंकि हम लोग जुड़े हुए सर, हैं, मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं, मैं आप जहां पर हैं इसको पकड़ कर रखिएगा, यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए, जरा एक बार उनके पास चलते हैं फिर आपके पास लौटता हूं। नरोत्तम मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। बहुत धन्यवाद आपका हुजूर। सर ये बताइए, ये जो अभी हालात बने हुए हैं और एक तरफ महुआ मोइत्रा का मामला है, दूसरी तरफ नुपुर शर्मा का मामला है, नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा की बातें हो रही हैं और महुआ मोइत्रा के बारे में कहा जा रहा है कि भाई जो कहा वो फैक्ट पर चेक होना चाहिए, फैक्चुअली सही है या नहीं है, बोलने की आजादी है या नहीं है, बीजेपी देश को हेट मशीन बना रही है, ऐसी जगह बना रही है जहां रहना मुश्किल हो रहा है, क्या ये दोनों बातें पैरेलल देखी जा सकती हैं? नहीं, ये इसी तरह से बोलते हैं, जब कश्मीर में वो पत्थर फेंकते थे तो वो भटके हुए युवा थे, इनके लिए ये उन्हें आतंकवादी कहते नहीं, शहीद कह देते हैं ये लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये स्लीपर सेल है टुकड़े टुकड़े गैंग की, जो चाहती है कि देश कैसे भी टूटे, और इसलिए इनके हर जगह नजरिए अलग अलग है। ये सिर्फ हिंदू धर्म पर ही कटाक्ष करते हैं, हिंदू धर्म पर ही प्रहार करते हैं,
कभी दूसरे धर्म पर इनको प्रहार करते देखा ही नहीं गया होगा। ये चाहते हैं कैसे भी हिंदू बट जाए, जातियों में, भाषा में, धर्म में, और देश खंड खंड का हो जाए। नरोत्तम जी, लेकिन अगर ये चाहते हैं और देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल उठता है, पीएफआई क्यों नहीं बैन होती? ऐसी सोच वाले बैन क्यों नहीं होते? नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं। केस रजिस्टर कल कर दिया था, केस रजिस्टर आज भी किया है, आज ट्विटर को लिख दिया है। एकदम कार्रवाई करने पर आपने देखा होगा, ये अवार्ड वापसी जैसी कई गैंगे और हैं इनके पास में, जो देश के माहौल को कुलुषित करती हैं, जो देश के माहौल को विषाक्त करती हैं। एक बार देश को समझ में भी तो आना चाहिए ना कि ये कौन है। एकदम करना ये कारण को अघोषित आपातकाल है, ऐसा है वैसा है, नहीं। आप सब लोग बैठे हो, आप चिंतन भी आप लोग कर रहे हो, मंथन भी कर रहे हो, और हमें विश्वास है इस चिंतन और मंथन से अमृत ही निकलेगा, और निकल भी रहा है। देख रहे होंगे आज स्थिति क्या हो गई है, कम्युनिज्म वाले सोच की देश में जीरो की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी और कम्युनिस्ट भी। ये डेमोक्रेटिक देश है, प्रजातांत्रिक तरीके से ही खत्म करेंगे। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि लोगों को दिखना भी चाहिए, ये दिखना एक लेवल तक ठीक हो सकता है सर, लोगों की रियलिटी सामने आ जाए। अब तो 8 साल में सबको पता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, अवार्ड वापसी गैंग क्या है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और पॉलिटिकली आपको सूट कर सकता है कि लोगों को पता चल रहा है तो दूसरी पार्टियां कमजोर पड़ रही हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन एक आम नागरिक के लिहाज से सोचिए सर, उस दौरान जो माहौल बनता है उसमें मरता तो आम नागरिक है सर। कहीं पत्थर चल जाए, कहीं पेट्रोल बम चल जाए, किसी का गला कट जाए, पीएफआई जो जहर भरे उससे जो हिंसा हो जाए उससे भी आम आदमी मरता है सर। तो वो कैसे इससे निकलेगा सर? नहीं, आम आदमी की हिंसा को हम नहीं होने देंगे। आपने बताया ज्यादातर स्टेट बीजेपी शासित है, और आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे, और इन पर कोई रूरियायत रखेंगे नहीं। ऐसे लोग जो समाज के अंदर वैमनस्यता फैला रहे हैं, जो समाज के अंदर वातावरण को कुलुषित कर रहे हैं, इन पर किसी प्रकार की कोई रूरियायत नहीं होगी। ये लीना मणिमेक्कल जी जैसे लोग जो भी सर, वो तो कैनेडा में बैठी हैं सर। आप 10 FIR भी करेंगे तो भी अरेस्ट नहीं होंगी, लेकिन हम लोग जब जमीन पर लोगों से बात करते हैं उनके मन में एक ही प्रश्न है कि जो पीएफआई यहां है और जिसको आप लोग भी कहते हैं कि वो जहर भर रही है, वो पीएफआई बैन क्यों नहीं होती? होगी सब, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, प्रक्रियाधीन है सब। ये आज लुकआउट सर्कुलर के लिए भी लिखा है ना, ये उसी दिशा में बढ़ने वाला कदम है। एलओसी के बारे में जो केंद्र सरकार को हमारी मध्य प्रदेश सरकार लिख रही है, ये उसी दिशा में बढ़ने वाले कदम है। सने सने बढ़ रहे हैं, आप थोड़ा तेजी में हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल तेजी में नहीं हूं। मैं इस बात की गति को मेंटेन रखना चाहता हूं कि लोग जो परेशान हो रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, उनको ये लगे कि हाँ उस माहौल को सुधारने के लिए प्रयास हो रहा है। लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप पीएफआई की बैन की बात करेंगे, मांग करेंगे सर? सम्मान होगा, लोगों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान होगा। क्यों, इसमें मांग करने में क्या बुराई है? जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे वैसे वैसे मांग होती जाएगी, आने तो दो तथ्यों को। ठीक है सर, हमारे यहाँ पैनल में सुबुही खान जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही है। जी जी नरोत्तम जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक मुसलमान होने के नाते भी आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, या आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं, हम लोग नेशनल टीवी पर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, हम लोग कट्टरवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जब ये संस्थाएं होती हैं जैसे पीएफआई हैं या कुछ संस्थाएं, तबलीगी जमात तो सऊदी अरब ने बैन कर दी, या जो भी ऐसी कट्टरवादी संस्थाएं जो भारत में एक्चुअली स्लीपिंग सेल्स की तरह काम कर रही हैं, या द्विराष्ट्रवाद को या इस्लामिक स्टेट की एक वैचारिक अनुकूलता को पोषण दे रही हैं, जब उस तरह की संस्थाएं बैन नहीं होती हैं तो हम लोगों के मन में सवाल उठता है। देखिए, ये कह देना कि हम जल्दी में हैं, मुझे लगता है कि उदयपुर जैसी घटना हम देख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है सर, बहुत देर हो गई है। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छी एक बात कहते हैं, मुझे आज याद आई है, कि समाज का ये काम है कि नए
रक्त बीज पैदा ना हो, हम उस तरफ काम करें, सामाजिक समन्वय बनाने की तरफ काम करें, लेकिन सरकार का ये काम है कि जो ऑलरेडी रक्त बीज हैं उनका विनाश करिए, प्लीज उनको बैन करिए। सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी देश के लिए बोल रहा है, सबकी सुरक्षा खतरे में है। ठीक है, नरोत्तम जी, लुकिंग अप, लोगों को लग रहा है देर हो गई है। बहना, मेरी बात यह है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, आपका सवाल बिल्कुल सामयिक है, लेकिन व्यक्ति जिससे ये सवाल आप पूछ रही हो वो राज्य का मंत्री है और ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र का विषय है, इसलिए मैं सीधा नहीं बोल पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपके बात से आंशिक समर्थन करते हुए इसको मैं पूरा नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन सर आपके हिसाब से जो ये लोग हैं ये एक्सपोज तो हो रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद एक इकोसिस्टम है जो टूट नहीं रहा है, वो कभी सोशल मीडिया पर, कभी जमीन पर, कभी व्हाट्सएप पर दूसरे तरीके से काम करता है, उस इकोसिस्टम को तोड़ने का तरीका क्या है? देखो साहब, तरीका तो वही है जैसे हम सने सने बढ़ रहे हैं और लोग उजागर होते जा रहे हैं, जैसा आपने कहा, जैसे जैसे ये बेनकाब होते जाएंगे वैसे वैसे इनके इलाज भी होते जाएंगे। आप देखो पिछले 2 साल के अंदर इस तरह के लोग लगातार बेनकाब हो रहे हैं और उनके इलाज भी हो रहे हैं, कानून के दायरे में हो रहे हैं सब। सर, आप लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो लीना ने ट्वीट किया है उसको हटाने या उसके अकाउंट को बैन करने के लिए कोई चिट्ठी लिखी है क्या ट्विटर को? हाँ, अभी जारी की है मैंने वो चिट्ठी, अभी राज्य सरकार ने उसको, जो साइबर सेल है इनकी ट्विटर की अमेरिका में, मुख्यालय जो इनका है, लीगल डिपार्टमेंट को नोटिस भेज दिया है धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली पोस्ट पर कार्रवाई करने के लिए। ये वो चिट्ठी है सरकारी जो आपके इस पे आ रही हो। इसमें मांग क्या की है सर आपने ट्विटर से? दिखाना क्या मांग की है? ये पहला तो एविडेंस इसके उपलब्ध कराने की बात कही गई है, दूसरा जिस तरह से धार्मिक भावनाएं को आहत करने वाली पोस्ट जो लोग करते हैं इन पर भी कार्रवाई करने की बात है, और इस तरह की पोस्ट जो भी है उन्हें हटाने की बात भी है। ये 3-4 बातें इसमें कही गई हैं, अभी आपको आपके संवाददाता को दे दिया है, वो आपको पहुंचा देगा। ठीक है नरोत्तम जी, बहुत शुक्रिया। आप जब तक मेरे से बातचीत समाप्त करोगे जब तक पहुंच चुका होगा आपके पास। ठीक, तो बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, यही कार्रवाई है। हालांकि कई लोगों को, अगर आप आम लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि भाई PFI बैन करो, दूसरी संस्थाएं बैन करो, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये केंद्र को करना है। केंद्र को जाके बताना भी तो इन्हीं लोगों का काम है, और कौन बताएगा? आपकी सरकारें हैं, आपके नेता हैं, जाके बोलिए। पत्रकार के तौर पे तो हम लोग बोल ही रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अतिकुर रहमान साहब, अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। सर आपका ऑडियो म्यूट है। चेक। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही आवाज, बोलिए। सुशांत जी, मोटी सी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन से इनकार नहीं किया जा सकता है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन मैं पूरा दोष रेडिकलाइजेशन का, टेररिज्म का बॉर्डर पार को दूंगा। बॉर्डर पार से और सोशल मीडिया के जरिए जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की सबसे ज्यादा है, मेरी है, आपकी है, पूरे देशवासियों की है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे यह समझ में आती है कि अगर आप देश को, पूरे देश को एक फैमिली समझकर देखिए, अगर मेरा बच्चा मेरी फैमिली में रेडिकलाइज हो रहा है सुशांत जी, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि मैं अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाऊं, बजाय इसके कि उसको फैमिली से उठाकर बाहर। ये एटीट्यूड हमारा पूरे देश पर लागू होना चाहिए। पहले हमारे लोग हैं, ये इंडियन सिटीजन हैं, जो कि बॉर्डर पार और
कुछ ऐसी ताकतें दुनिया में काम कर रही हैं वेस्टर्न नेशंस के अंदर जो भारत को चाहती नहीं है कि भारत एक बहुत ताकतवर मुल्क बने। अच्छा एक मिनट, चाइना और पाकिस्तान। अतिकुर रहमान भाई देखिए, आज चूंकि आपने कहा कि हम सबको अपने अपने धर्म में कमियां हैं तो उसके क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए और उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं कई बार शो में कह भी चुका कि भैया अगर आपका बच्चा रेडिकलाइज हो रहा है, आपका बच्चा गर्दन काटने की बात कर रहा है तो जेल भी आपका ही बच्चा जाएगा, सुशांत सिन्हा का बच्चा नहीं जाएगा, ये सोच लीजिए। तो आपको अपने बच्चे की तो फिक्र होनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं अतिकुर रहमान साहब कि वो जो छतों पर पत्थर आते हैं, कोई रेडिकलाइज करे लेके कौन आ रहा है ये मोहल्ले के लोगों को नहीं दिखता होगा सर, ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं। वो पेट्रोल बम के लिए पेट्रोल आ रही है, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आ रही है, चार लड़के, छह लड़के, दस लड़के मिलके बना रहे हैं, ये लोगों को, मोहल्ले के लोगों को नहीं पता चल रहा होगा सर। या कोई गर्दन काटने गया और उसने काटने के बाद फलाने जगह कपड़े बदले और उसकी बाइक में तब तक फलाने ने पेट्रोल भराया, ये सारी चीजें हैं ना सर। मतलब कोई तो मदद कर रहा है, कोई लोग देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं, वो लोग भी तो उतने ही गुनहगार हैं सर, वो लोग भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। नहीं लेकिन जमीयत जैसे संगठन जो उसको खाद पानी देने का काम कर रहे हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं, उन पर भी तो रोक लगनी चाहिए, उनको तो समझा ही सकते हैं ना जी। अतिकुर रहमान साहब जवाब दीजिए। सुशांत जी, हाँ सुशांत जी, जितना भी हमारे देश में हो रहा है इस रेडिकलाइजेशन को लेकर, पत्थरबाजी, लोगों से घृणा, 99.9% पॉलिटिसाइजेशन है, मैं ये दावे के साथ आपको कह रहा हूं। अब जो विनोद बंसल जी सवाल उठा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर, तो मैं विनोद बंसल जी के साथ अभी डिबेट के बाद चलूंगा, आप मेरे साथ चलिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पूरे प्रूफ के साथ एफआईआर दायर करिए, उसको बैन करिए। हमारे देश को मजबूत करने की अगर बात हम कर सकते हैं तो आप मीडिया पर आकर बात करें, उसको उसको इस तरह से इल्जाम देकर तैयार करके एफआईआर से समाधान नहीं होगा जी। आपसे विनती कर रहा हूं, ठीक है विनोद बंसल, वो कह रहे हैं एफआईआर कराइए, साथ चलिए एफआईआर कराइए, विनोद बंसल एफआईआर करिए, बैन करिए तुरंत विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। नहीं विनोद बंसल जी एक मिनट, अच्छा आप उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। विनोद बंसल जी इसमें मैं बस एक सवाल जोड़ दे रहा हूं कि आपको लग रहा है इसको बैन करना चाहिए, देश को लग रहा है पीएफआई और फलाने ढिमकाने को बैन करना चाहिए, ये देश की सरकार को क्यों नहीं लग रहा, देश के गृहमंत्री को क्यों नहीं लग रहा, वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, वो कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन करूंगा मैं। सुशांत जी मैं बयान में विश्वास नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो मौलाना साहब ने कही आज आपकी डिबेट बड़ी सार्थक चल रही है और वास्तव में देश हित में चल रही है। अभी तक जितनी भी डिबेट होती थी उसमें चीख चिल्लाहट में पता ही नहीं लगता था कौन क्या बोल रहा है, आज वास्तव में एक लॉजिकल डिबेट चल रही है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा और टाइम्स नाउ नवभारत को भी साधुवाद दूंगा और सारे चारों को चारों पैनलिस्ट को भी साधुवाद दूंगा कि जो एक वास्तव में एक राष्ट्र का जो चिंतन है ना वो चिंतन चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए एफआईआर या बैन ये दो चीजें अपने आप में कोई किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है, एक अंतिम उपाय तो हो सकता है लेकिन अंतिम समाधान नहीं है। मैं बताऊं आपको, देखिए अंतिम समाधान क्या है, जैसे आपने कहा कि हाँ इस्लामिक इस्लाम के नाम पर लोगों को, बच्चों को, जो आप यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है तो उसको रोकने का तरीका भी तो कोई है ना जी। जब आपको पता है कारण क्या है तो निश्चित रूप से आप जैसे विद्वान को यह भी पता है कि वो निवारण क्या है। मैं कहना चाहूं निवारण वही है कि जहां से रेडिकलाइजेशन हो रहा है आखिरकार कोई पुस्तक होगी, कोई स्थान होगा, कोई व्यक्ति होंगे, कोई व्यक्तियों का समूह होगा, कोई संगठन होगा जहां से रेडिकलाइजेशन का एक बीज बोया जा रहा है, नंबर वन उस बीज को काटना पड़ेगा, दूसरी बात आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करना पड़ेगा, दूसरी बात छोटा छोटा जवाब लेंगे और लोग भी बोलना चाह रहे हैं। सुबुई खान, उनके कहने का मतलब यह है आप किसी पीएफआई को बैन कर देंगे, आप किसी जमीयत को बैन कर देंगे, लेकिन अगर अमेरिका रूस के खिलाफ मदरसों का इस्तेमाल कर, उसमें भरा होगा ना भाई, उसने भी तो इस्लाम का ही इस्तेमाल किया ना कि तुम्हारे धर्म में है जाके मारो इन काफिरों को या कुछ भी भरा होगा, वो कैसे ठीक होगा। सुबी खान, मैं अतिकुर रहमान साहब की बात से ये तो इत्तफाक रखती हूँ कि इंटरनेशनली यूज किया गया एक इस्लामिक टेरर को, लेकिन वहां से शुरू हुआ ये गलत है अतिकुर रहमान साहब, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही शुरू हो गया था। अगर कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा है तो वो केवल बीज को पानी देकर पेड़ बना रहा है, बीज ऑलरेडी है, ये मत कहिए कि बीज वो लोग डाल रहे हैं।
वो सिर्फ पेड़ बना रहे हैं, उसको पानी देके और सशक्त कर रहे हैं। दूसरी बात अभी विनोद भाई ने करी कि रूट पे जाना पड़ेगा कि जड़ क्या है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरी रिसर्च के आधार पर यह कहती हूं कि आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ है अलगाववाद। जब हम मुसलमान बच्चे को अलग शिक्षा देते हैं, जब हम मुसलमान बच्चे को अलग न्याय प्रणाली देते हैं, अलग सब उसकी पूरा लेजिस्लेशन कानून अलग है, उसकी पूरा हलाल इकोनॉमी एक पूरा अलग चल रही है कि वो सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अरे गोश्त तो हलाल होता था भाई, आटा चावल दाल झाड़ू पोछा कब से हलाल होने लगे? हम लोग रिसर्च क्यों नहीं करते इसके बारे में? पूरी इकोनॉमी चल रही है, झाड़ू पोछा भी हलाल है। यस, झाड़ू पोछा आटा प्लास्टिक के जो आपकी टेबल है, पूरी पूरी इंडस्ट्रीज हलाल, एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है कि मुसलमान केवल हलाल प्रोडक्ट्स ही खरीदेगा। ठीक है कादरी साहब, छोटा कमेंट आपका, मेरे पास समय नहीं है। कादरी साहब देखिए साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है, सारा मुसलमान ऐसी ज़हनियत का नहीं है। जब हम डिबेट पर आते हैं या हमारे पेज के जरिए हम कोई बात करते हैं, तो अगर 10 लोग ऑब्जेक्शन करने वाले या गलत भाषा का प्रयोग करने वाले हैं, तो 90 आदमी हमारी ताइद में बोलने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, किसी के भड़कावे में आ रहे हैं, खुदारा अपने ऐसे कामों मत जाओ, अपनी जिंदगी को देखो। सर वही 10 तो बर्बाद कर रहे हैं ना सर, वही 10 पे अगर 90 लोग खड़े होकर कह दे। सर एक मिनट, मैं आपको बात बताता हूँ, एक मिनट विनोद भाई, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। सर किसी भी सड़क पर कोई लड़की इसलिए नहीं छेड़ी जाती कि वहां पर 2 छेड़ने वाले लोग होते हैं, वो इसलिए छेड़ी जाती है कि वहां 10 लोग जो खड़े होते हैं, जो उसका विरोध करके उसको बचा सकते हैं, वो 10 चुप रह जाते हैं। वो सोचते हैं ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मुझे तो नहीं पलट के मारेगा, मेरा क्या जाता है। तो वो क्रिमिनल हमेशा 2 होता है सर, लेकिन वो 10 लोग जो चुप रहते हैं ना सर, वही वो 2 क्रिमिनल का मान बढ़ाते हैं। उसी वक्त पलट के 4 लप्पड़ लगाए कोई कि तुम मेरे मोहल्ले में कैसे पत्थर लेकर आ रहे हो, कैसे पेट्रोल बम बना रहे हो, कैसे गला काटने की सोच रहे हो, व्हाट्सएप में लिख रहे हो, वहीं मामला सेट हो जाएगा। लेकिन जो चुप रहते हैं ना सर, वहीं समस्या खड़ी होती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।